आज मैं आपको जापान में खेले जाने वाली ऐसी गेम्स के बारे में बताऊंगा जिन पे आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यह गेम्स नॉर्मली आपको देखने में नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सी गेम की। इस गेम में दो लड़कियों का कॉम्पिटिशन होता है और दोनों लड़कियों को अपनी बम्प के साथ एक गुब्बारे में हवा भरनी होती है। जो लड़की पहले गुब्बारा भर देती है वो लड़की जीत जाती है। कैंडी और नॉट कैंडी। इस गेम में मोस्टली सेलिब्रिटीज को कंटेस्टेंट बनाया जाता है। उनको चीजों को मुंह में डाल के बताना पड़ता है कि चीजें असली हैं या चॉकलेट की बनी हुई। ज्यादातर इस गेम में चॉकलेट को जूते, दरवाजे का हैंडल या अलग अलग आकार में बना के रख दिया जाता है और प्रतियोगी को वह चीज उठा के मुंह में डालनी पड़ती है और फिर बताना पड़ता है वह असली है या नकली है। ध्यान में रखिए दोस्तों, जूता असली भी हो सकता है। Objects like shoes, doorknobs, hats, and even a coffee table. If the contestant guesses it right, they're rewarded with points and a delicious mouthful of candy. If they guess it wrong, however, they run the risk of chipping a tooth and are blasted in the face with compressed air. Classic Japan. Question answer. Question answer game तो हर जगह खेली जाती है, जिसमें question पूछे जाते हैं और contestant को जवाब देना पड़ता है। जापान में भी ऐसी ही गेम खेली जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट भी बिल्कुल ही अलग। यहाँ पे गलत जवाब देने पे प्रतियोगी को पूरी तरह से पट्टियों से लपेट दिया जाता है, बिल्कुल ही इंग्लिश फिल्म की मम्मी की तरह। और इतने में ही बस नहीं, पट्टियों से लपेटने के बाद कवर में डाल दिया जाता है। トリンドルさん、チャレンジ失敗です。手だけ出てるね。かなり斬新なミイラが出来上がっちゃいましたけどもね。では私の仲間になっていただきましょう。やだー。でも名前見えないんですよね、これ。バンプゲーム。दोस्तों नाम सुन के आपको पता तो चल ही गया होगा कि यह गेम हमारे पिछवाड़े से रिलेटेड है। इस गेम में फीमेल और मेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। फीमेल कैंडिडेट को एक खास आकार की शेप के ऊपर बैठना पड़ता है। यहाँ पर उनकी सिर्फ बैक ही दिखती है, बाकी फुल बॉडी कवर हो जाती है। जब सारी लड़कियाँ बैठ जाती हैं तो सारी लड़कियों की बैक एक तरफ से दिखाई देती है और मेल कैंडिडेट को बैक देख कर बताना पड़ता है कि कौन सी बैक किस लड़की की है। दोस्तों अगली गेम थोड़ी सी अटपटी है, या आप कह सकते हैं वाहियात। इस गेम में दो लड़कियों को स्टेज में खड़ा कर दिया जाता है और एक पाइप जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है उसमें एक कीड़े को रख दिया जाता है और उस पाइप के दोनों सिरों को दोनों लड़कियों के मुंह में डाल दिया जाता है। अब दोनों लड़कियों के बीच में सांस की लड़ाई चलनी शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लड़कियां बहुत ही तेजी से अपनी सांस उस कीड़े के ऊपर डालती हैं। ऐसा करते करते अंत में कीड़ा एक लड़की के मुंह में जाके गिर जाता है और दूसरा पार्टिसिपेट जीत जाता है। दोस्तों अंत में मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा जापानी पार्टिसिपेट करते हैं। इस गेम में एक दलानदार सरफेस होता है जो बिल्कुल ही स्लिपरी होता है और उस स्लिपरी सरफेस पे साबुन लगा होता है। कॉन्टेस्ट तो आप समझ ही गए होंगे, इस दलानदार सरफेस पे पार्टिसिपेंट को चलना पड़ता है और जो सबसे पहले चढ़ जाता है वही जीत जाता है।
manages to make it look awesome with a spinny trick. The onlooking Sheilas are thoroughly impressed with such a move. It doesn't take Daredevil long to regain the lead, though. He is almost at the treasure chest of glory. I think there's a check for $10 or so in there. Oh no, disaster strikes! He's a goner! Mr. Blue evaded trouble beautifully there. Fuck me dead. That was bloody specky, mate. Ah, bugger. He fucked it straight away after doing a cool move. This guy is like, that always happens every time. He's saying cool moves are for jackasses. Meanwhile, Golden Boy has either broken his back or he's collecting his thoughts. Yeah, nah, he's okay. He's good. He's fucking golden. Frogman is the only one sticking it to Daredevil at the moment. I don't know what strategy he's implementing here, however. Fuck, I think he's gotten himself stuck. Yeah, nah, he looks like a dickhead that's stuck. It's only a matter of time before he plummets. Yeah, fuck, there he goes. Daredevil is a few steps from victory again, but it's not gonna happen. And look at him try to wipe out the entire field. How's bloody Golden Boy? There's bloody Frogman getting stuck again. Golden Boy wants to fall on his fucking sword. The Orange Wanker has done nothing, nothing. Pinky was exhausted 5 minutes ago. And now Daredevil and Golden Boy sabotage each other like classic selfish humans. Then Frogman sneaks up on Daredevil and he's like, Ohio Gazimus, motherfucker! Golden Boy finally does a cool move. He then has a fair dinkum chance of getting to the top, just 1 foot in front of the other, although he gives Frogman every opportunity to catch up. There's a wrestling match, and down they go, all the way to the bottom together. The host cracks the shits. Pinky is ready to go home. The poor bastard has had enough. I tell you what, there's only one bloke who can truly end this. It's not Mr. Blue, it's not the Orange Wanker, it's gotta be Frogman. You know it, I know it, it's gotta be him. Even fucking Steve Aoki is like, come on Frogman, do it! He's gonna do it, he's gonna do it. The only person that can fuck him is himself right now, and he's won! He didn't fuck himself, he's got the $10. He's like, fuck yeah.